तो आमे प्रीवियस वीडियो रे जहाँ सब पढ़ी आज ता गोटे क्वेश्चन करवा। तो क्वेश्चन से कौन कौच क्वेश्चन से कौच गोटे सीए ए भाया डायग्राम दिखाई ए भाया गोटे डायग्राम दिखाई एंड ए डायग्राम रे एठी गोटे ब्लॉक रखाई गोटे ब्लॉक रखाई एंड से ब्लॉक ऊपर गोटे एफ फोर्स एवळे रखाई छि एतिक जिनस डायग्राम रे दिया छि एटी एफ फोर्स लगा है छि एंड ए जो एंगल टा से दिया है छि एंगल दिया है छि क्वेश्चन रे 30 डिग्री एंगल केते दिया है 30 डिग्री एंड ए जो ब्लॉक टा छि ब्लॉक रो मास दिया है छि केते 100 केजी ब्लॉक रो मास दिया है छि केते 100 केजी एंड से क्वेश्चन रे एतिक जिनस दे छि देन से पचारि कौन पचारि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन पचारि सेकेंड रे से कौन पचारि सेकेंड रे पचारि एफ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ब्लॉक सेकेंड पचारा आमको केते फोर्स लगे एफ रो से वैल्यू पचार केते फोर्स लगे जेहेतु आम से ब्लॉक टाकू कौन करवा जो जगह अच्छे से ही जगह ताको रोके की रखी परिवा ता माने से ब्लॉक टा कौन हो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन रे रहइबो सीए आउ डाउनवर्ड डायरेक्शन रे जदि इटा किछि एंगल रे ब्लॉक टा रखाई छि माने ब्लॉक टा कौन तोलो को ए डायरेक्शन रे से कौन करइबो स्लिप हेही आसीबो ए डायरेक्शन रे मोशन करिवो तो आमको केते फोर्स आमे जदि लगेबा तो ए ब्लॉक टा जोठे छि एठी ही रहइबो ए ब्लॉक टा मोशन ही करिवो नै से एतिक जिंस क्वेश्चन रे पूछै छि एंड एतिक दे छि तो फर्स्ट आमे कोन करिवा यार फ्री बॉडी डायग्राम बनेबा जदि मु यार फ्री बॉडी डायग्राम बनेबी फर्स्ट मु ब्लॉक टा बनाउ छि एटा कोन ब्लॉक एटा ब्लॉक एंड एटा थिला हमरो इंक्लाइंड प्लेन तो ए ब्लॉक रे कोन थिला से कांटेक्ट थिला मु टिके गैप रख छि ए सरफेस रे से कोन थिला कांटेक्ट है कि थिला आ हमरो एंगल एटा दिया इतला एंगल दिया इतला तो एंगल केते छि 30 डिग्री तो ए ब्लॉक टा वेट यार लागिबो सब बेले कोठी डाउनवर्ड डायरेक्शन रे माने वेट सब बेले लागे बॉडी रो जो ग्राविटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी सही डायरेक्शन रे कोन लागे हमरो वेट लागे ते यार वेट केते हिजबो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन रे लागिबो एटा हेगला हमरो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन रे लागिला तो वेट हमरो केते हिजबो w इक्वल टू mg w इक्वल टू mg हमारो एम केते दिया इतला 1000 केजी एंड हमें जी को एटी क्वेश्चन रे एज्यूम करियो को कोई ची जी इक्वल टू से दिया इतला केते सपोज जी इक्वल टू से दे जे क्वेश्चन रे दिया इतला जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ताले हमरे इगला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ताले वेट वैल्यू इगला 1000 न्यूटन एति की इगला हमरो वेट देन ए वेट को आमे कोन करि परबा हमरो जदि आमे ए पूरा प्लेन को आमे देखिबा ए पूरा प्लेन को आमे देखिबा ताले यार एक्स एक्सिस कोड आइजबो ए ब्लॉक हिसाब रे आमे जदि ब्लॉक को ही देखिबा तार एक्स एक्सिस कोड आइजबो ए डायरेक्शन टा आइजबो एक्स एक्सिस एंड ए डायरेक्शन टा आइजबो तार वाई एक्सिस आइजबो आमे जदि ब्लॉक को देखिबा ताले ए ब्लॉक को मु एक्स एक्सिस रे रिजॉल्व करबी एंड वाई एक्सिस रे रिजल्व करबी माने ए जो वेट रो कंपोनेंट को मु एक्स एक्सिस रे केते हबो एंड वाई एक्सिस रे केते हबो देखिबी ताले एठी जदी मु वेट देखिबी एक्स एक्सिस रे केते हिजबो ताकु ग्रीन कलर रे बनाउ छी एटा हिजबो हमरो
एंड एक्स एक्सिस रे के तेज वो ए डायरेक्शन रे जो एक्स एक्सिस रे तले या कुछ जदी मु देखी भी के तेज वो ये गोटे सेकंड फर्स्ट हमें एंगल देख लवा जदी ए एंगल टा कोण होची 30 डिग्री होची तले ए एंगल टा हमरो केते हो ए एंगल टा हो एटा तो 90 डिग्री ए एंगल टा देखि पड़तो एटा केते अछि 90 डिग्री तले ए एंगल टा हमरो केते 90 माइनस 30 60 डिग्री जदी एंगल टा 60 डिग्री हला तले ए एंगल टा हमरो केते हो 30 डिग्री ए एंगल टा हेगला हमरो 30 डिग्री 30 डिग्री हेगला तले ए कंपोनेंट टा केते हो 1000 कोस 30 डिग्री एतिके हो ए कंपोनेंट टा हमरो केते हो 1000 साइन 30 डिग्री एंड एफ रो डायरेक्शन से को पटे दिया इतला एफ रो डायरेक्शन से क्वेश्चन दे गिवन थिला एफ रो डायरेक्शन ए डायरेक्शन रे इटा थिला हमरो एफ फोर्स रो डायरेक्शन इटा थिला हमरो एफ फोर्स रो डायरेक्शन तो एबे ए जो हमरो मास थिला गोटे बॉडी टाइडा मास यार 100 केजी थिला ये ए सरफेस ऊपर कौन थिला कांटेक्ट थिला जेहेतु कांटेक्ट रे छि सेठी को फोर्स जनरेट हो गोटे नॉर्मल रिएक्शन गोटे फोर्स जनरेट हो तो सही फोर्स रो डायरेक्शन को पटे हो जदी हमें नॉर्मल फोर्स देखिबा नॉर्मल फोर्स रो डायरेक्शन जदी सरफेस लगौ छि बॉडी ऊपर को पटे लगेबो अपवर्ड डायरेक्शन रे तो एटा हे गला यार नॉर्मल रिएक्शन एटा हे गला यार नॉर्मल रिएक्शन एन नॉर्मल रिएक्शन एन अबे हमें पूरा डायग्राम को फ्री बॉडी देखी देले तो एबे मु लिखि परबी एन इक्वल टू जदी बॉडी टा कोन अछि इक्विलिब्रियम कंडीशन रे अछि बॉडी रेस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन रे अछि इक्विलिब्रियम कंडीशन रे थाए तले हमें दीटा इक्वेशन पुट करू कोन कोन समेशन ऑफ एफएक्स इक्वल टू जीरो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो या माने हला एक्स डायरेक्शन रे जेते भी फोर्स अछि सब फोर्स को जदी हमें जोड़ी दबा समेशन ऑफ माने जोड़ी दबा ताले एक रिजल्टेंट केते हो जीरो एंड वाई डायरेक्शन रे मध्ये जेमिति जोड़ी दबा ताले सी भी मध्ये हो जीरो ताले हमें जदी डायग्राम को देखिबा वाई डायरेक्शन रे को फोर्स अछि एन अछि एंड 1000 cos 30 अछि एन इक्वल टू हमें लिखी परिवा 1000 cos 30 cos 30 ताले एन रो वैल्यू हमें पाई गले याकु जदी हमें कैलकुलेशन करिवा 1000 एंड cos 30 रो वैल्यू केते √3/2 cos 30 रो वैल्यू √3/2 तो ए जो हमें यार वैल्यू केमती कैलकुलेशन करंती ट्रिग्नोमेट्री रे जानथिबे तो एन इक्वल टू हमें पाई गले एतिके 100,000 इनटू √3/2 एतिके केते न्यूटन एतिके न्यूटन एतिके न्यूटन देन हमें जदि देखिवा एक्स डायरेक्शन रे तले एक्स डायरेक्शन रे तारो को फोर्स अछि एफ अछि आ गोटे 1000 sin 30 एंड दी जणकर डायरेक्शन कोन अछि ऑपोजिट अछि तले मु लेखि परबी एफ इक्वल टू 1000 साइन 30 एत्ती की गला 1000 साइन 30 देन 1000 साइन 30 रो वैल्यू केते 1/2 इक्वल टू गला 500 न्यूटन तो हमें एफ रो वैल्यू मध्य पाइले क्वेश्चन रे से दीटा ही पोचकला तो हमको केते फोर्स लागो छी बॉडी टा को स्टॉप करियो को 500 न्यूटन रो हमको कोन लागो छी फोर्स लागो छी हमें बॉडी टा को स्टॉप करियो पाई तो एबे हमें देखिबा कोन आउ गोटे फोर्स देखिबा स्प्रिंग फोर्स एटी देखि पड़तुए एटा गोटे स्प्रिंग अछि ए हैंड रे कोन करूछि स्प्रिंग को टाणु छि एटा स्प्रिंग टा एटा कोन टा स्प्रिंग टा एटी भी मध्ये से स्प्रिंग टा कोन करछि ए डायरेक्शन रे स्प्रिंग कोन अछि एटी फिक्स अछि एंड ए गोटे कोन करछि स्प्रिंग को से टाणु छि गोटे फोर्स रे से स्प्रिंग को खिचुची किंबा टाणुची एटी भी देखी पारतबे फर्स्ट इनिशियली एटा थिला स्प्रिंग
तो आम गोटे लोड कि फोर्स एप्लाय कले स्प्रिंग रो देखी पार तो स्प्रिंग टिके कौन है तार लेंथ रे चेंज है के चेज है एति चेंज है पोर्सन कौन है लेंथ रे चेंज है आम गोटे लोड लगेबार सेकेंड सी देखी पार्थे दीटा लोड एप्लाय कर तो दीटा लोड एप्लाय कर फर्स्ट इनिशियली यही लेंथ रे थिला इनिशियली स्प्रिंग रो लेंथ एत्तिकी थिला देन केते चेंज हला तार लेंथ रे चेंज हला तो ए गुडा केमती होची काई होची एटा बे हमें देखिबा। तो स्प्रिंग फोर्स याको हमें को स्प्रिंग फोर्स तो सपोज मु कोई भी एटी फिक्स अच्छी गोटे स्प्रिंग टा एटा कौन टा गोटे स्प्रिंग टा फिक्स अच्छी एटा स्प्रिंग टा यार लेंथ कितने अच्छी यार लेंथ अच्छी एक्स स्प्रिंग रो लेंथ कितने अच्छी एक्स अच्छी लेंथ अच्छी एफ एक्स सपोज मु स्प्रिंग को कौन करी भी अबे गोटे फोर्स रे या को टाणी भी स्प्रिंग को मु टाणी ली एफ फोर्स रे तो स्प्रिंग रो लेंथ जिते थिला तारो लेंथ कौन हो लेंथ हो इंक्रीज करिवो लेंथ इनिशियली जत्ते थिला तारो लेंथ कौन है जीवो बॉडी जीवो तो कितने लेंथ बॉडीला जोति हमें देखिवा यारो लेंथ कितने बॉडीला इनिशियली तारो लेंथ कितने थिला इत्ती की थिला बॉडीला कितने इत्ती इनिशियली तारो लेंथ इत्ती की थिला एंड इंक्रीज हला इत्ती तो हमें किसी फोर्स अप्लाय कले से स्प्रिंग रो लेंथ कौन होची चेंज होची लेंथ तार इनक्रीज करूची हमें जो फोर्स को कौन करवा टेंशन किंबा पुल करवा इतनी की लेंथ चेंज है या को डेल एक्स ना दे दिली डेल एक्स रो लेंथ इतनी की अमाउंट रो चेंज है एबे हम कौन करबी एफ फोर्स सेटी कौन करबी कंप्रेस करबी एफ फोर्स मु कौन करबी एबे पुश करबी ताले कौन हो लेंथ तार जते थिला तार लेंथ कौन हो एबे स्प्रिंग रो लेंथ डिक्रीज हो गला गोटे सेकेंड स्प्रिंग रो लेंथ एवे डिक्रीज हो गला एतिके हो गला लेंथ एतिके हो गला जदी मु फोर्स को एटी कोन कली एई केस रे मु पुल कली एई केस रे कोन कली पुश पुश कली केते लेंथ तारो डिक्रीज कोला लेंथ डिक्रीज कोला इनिशियली एतिके थिला इन या कोड अलग कलर इनिशियली तार लेंथ केते थिला एतिके थिला ए देन एतिके हे गला ताले लेंथ तार डिक्रीज कला एतिके अमाउंट रो कोन कला तार लेंथ से डिक्रीज कला सपोज ए जो लेंथ ताला डेल वाई एतिके लेंथ कोन कला एठी डिक्रीज कला एठी इनक्रीज कला जदि मु फोर्स अप्लाई करी छी देन मु फोर्स कोन करबी जो अप्लाई कर छी से फोर्स टाकु मु रिलीज कर देबी फोर्स रिलीज कर देबी फोर्स जते बेले मु रिलीज कर देली ताले से स्प्रिंग ए देखि परतो एटा फर्स्ट केस 1 एंड 2 तो फर्स्ट केस रे देखि परतो स्प्रिंग कोन कर छी मु पुलिंग पुल नेचर रो फोर्स अप्लाई करली तो स्प्रिंग रो लेंथ कोन हला इनक्रीज कर छी तो जो डेल एक्स अमाउंट इनक्रीज करथला फोर्स मु रिलीज कला परे से जो लेंथ जेमिति थिला स्प्रिंग इनिशियली सेमिति हि जवा माने तार लेंथ इनिशियली जेमिति थिला सेमिति हि जवा सेकंड केस रे जो कंप्रेस हेतला फोर्स रिलीज कला परे से मध्य कोन करिवो इनिशियली जेमिति थिला सेमिति हो तो फर्स्ट केस रे मु फोर्स केमिति अप्लाई करथली पुलिंग नेचर रो अप्लाई करथली तो पुलिंग नेचर जते बेले भी अप्लाई करथली फोर्स रो डायरेक्शन को पटे थिला फोर्स रो डायरेक्शन ए डायरेक्शन रे थिला तो स्प्रिंग कोन कला रिटर्न कला ता निजो शेप को जते बेले स्प्रिंग निजो शेप को रिटर्न कला तो सेई डायरेक्शन रे मध्ये से निजे स्प्रिंग कोन करे निजे कोटे फोर्स अप्लाई कला से इनिशियली जते बेले हमें फोर्स को हटे देले हमें जो फोर्स अप्लाई करतले तो इनिशियली से गोटे फोर्स अप्लाई कला निजे अप्लाई कला तो सेई फोर्स टा कोन स्प्रिंग अप्लाई कला तो हमें से फोर्स टाको मु स्मॉल एफ रे लिखली स्मॉल एफ तो दीटा फोर्स हमें जो फोर्स अप्लाई करचे
सेतिके फोर्स स्प्रिंग अप्लाई करिछि ता माने से सेतिके फोर्स अप्लाई कोला फल रे तार जेतिके लेंथ इंक्रीज करथिला सेतिके लेंथ से कोन कोला रिगेन कोला तार निजो शेप को आसीबा पाई। तो सेकंड केस रे मध्ये आमे फोर्स को डायरेक्शन रे अप्लाई करथिले फोर्स आमे पुशिंग नेचर रे अप्लाई करथिले एई भले अप्लाई करथिले एफ। तो स्प्रिंग को डायरेक्शन रे से फोर्स अप्लाई करिवो जेहेतु से निजो शेप को आसीबो तो से निजो शेप को आसीबा पाई से कोन करिवो तार अपोजिट डायरेक्शन रे गोटे फोर्स अप्लाई करिवो ताको मु स्प्रिंग फोर्स को स्मॉल एफ रे लिखिली किंबा याकु और स्मॉल एफ रे मु डिनोट कले याकु स्मॉल एफ रे डिनोट कले। तो ये मध्य सेति के अमाउंट रो फोर्स कोन करिवो अप्लाई करिवो जति के फोर्स हमें सेठी लगेइथवा ता माने ये सेति के फोर्स लगेला एंड रिगेन कला। तो ए जो दीटा फोर्स देखिले आपण माने गोटेला हमें अप्लाई करथले एफ फोर्स एंड स्प्रिंग अप्लाई कला दीटा फोर्स कोन अछि सेम अछि दीटा फोर्स सेम अछि मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन वाइज कौन अच्छी दीटा फोर्स अपोजिट अच्छी। तो मुझे लिखी दूची अप्लाइड फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम बट डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट। तो हमें से स्प्रिंग फोर्स कौन करे जितनी की लेंथ से इंक्रीज करे स्प्रिंग रे हमें फोर्स अप्लाई कला फल रे से जेतिकी भी लेंथ कौन करुछि इनक्रीज करुछि स्प्रिंग फोर्स ता ऊपर डिपेंड करे। आमे जदि एक्स्ट्रा अधिक लेंथ इनक्रीज करबा ताले स्प्रिंग कौन चाहिबो मु अधिक फोर्स लगेबी ता फल रे मु निजो शेप को आसीबी ता माने स्प्रिंग फोर्स डिपेंड कला का ऊपर लेंथ ऊपर डिपेंड कला तार जो चेंज इन लेंथ हितला ता ऊपर से डिपेंड कला। तो स्प्रिंग फोर्स को मु लिखि परबी स्मॉल एफ डायरेक्टली इक्वल टू मु लिखि परबे के एक्स माइनस के एक्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से एक्स सहित अछि माने ता लेंथ सहित जदि मो से प्रोपोर्शनलिटी टा को उठि देबी गोटे कांस्टेंट आसीबो से कांस्टेंट टा कोन के आ मु अठी नेगेटिव एति पई देली नेगेटिव साइन ता माने हला ए केस रे जो नेगेटिव साइन अछि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन सेथिपे मु नेगेटिव देली एंड के कौन आमर के कौन ये स्टिफनेस एको हमें स्टिफनेस कहवा नॉले स्प्रिंग कांस्टेंट बोली हमें कहवा स्प्रिंग कांस्टेंट बोली कहवा याकु स्टिफनेस बोली हमें कह परबा एंड स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह परबा। तो ए दो स्प्रिंग फोर्स टा स्प्रिंग फोर्स ये कौन कला इंटरनली जेनरेट हला निजे निजे से भीतर जेनरेट हला तो याकु हमें कौन कहवा याकु हमें कहवा इट इज ए इंटरनल फोर्स इट इज ए इंटरनल फोर्स किंबा याकु आउ मध्य आहुरी भी मध्य ना दिया छी कौन इलास्टिक फोर्स इलास्टिक फोर्स इलास्टिक कौन इलास्टिक गोटे प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टी रे हमे जति के भी बॉडी रो जो शेप चेंज हे छि ए स्प्रिंग रो जो शेप हे छि से जो निजो शेप को आसीला एटा कोन से एटा स्प्रिंग जो मटेरियल रे तयारी हे छि से मटेरियल रो किछि इलास्टिक अछि माने तारो किछि गोटे इलास्टिक गुण अछि किंबा प्रॉपर्टी छि हमे ताकु इलास्टिक फोर्स मध्य कहितौ ये गोटे इलास्टिक फोर्स। देन कोन याकु हमे कहबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर नेचर वाइज फोर्स कौन चारोटा कैटेगरी रे डिवाइड है तो स्प्रिंग जाउची कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी रे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इन नेचर वाइज
ये नेचर वाइज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स या को आउरी मध्य ना दिया जी कौन रिस्टोरिंग टाइप कारण ये निज से को कौन करू छी रिस्टोर करू छी रिस्टोर करू छी तो सेति पई याको हमें रिस्टोरिंग टाइप मध्य कहितो कारण ये निज से को कौन करू छी रिगेन मध्य करू छी नेक्स्ट हमें देखिबा स्प्रिंग तो ये जो स्प्रिंग को हमें कौन कहिबा कनेक्शन करिबा केमति केमति कनेक्शन करा जाय पारिबो फर्स्ट कनेक्शन हमें करि पारिबा सीरीज वाइज सीरीज वाइज नेक्स्ट हमें केमति कनेक्शन करि पारिबा स्प्रिंग को पैरेलल वाइज हमें कनेक्शन करि पारिबा एई दीटा मेथड रे हमें स्प्रिंग को कनेक्शन करि पारिबा तो हमें जदि सीरीज रे कनेक्शन करिबा कोन हबो तारो स्टिफनेस कांस्टेंट कोन हबो एंड पैरेलल रे हमें कनेक्शन करले से कोन हबो देखिबा तो फर्स्ट हमें सीरीज रे देखिबा सीरीज कनेक्शन तो सीरीज रे को बढ़िया कनेक्शन है ते एटे स्प्रिंग टा एटे फिक्स कर दो हमें एटा गोटे स्प्रिंग देन फर्स्ट स्ट्रिंग एटा यारो स्टिफनेस केते छि के1 स्टिफनेस के1 किमा स्प्रिंग कांस्टेंट फर्स्ट स्प्रिंग रो केते छि के1 तको होलसे लिख दवा स्प्रिंग स्टिफनेस अछि के1 आउ गोटे स्प्रिंग कनेक्शन है छी यार स्टिफनेस केते छी किंबा स्प्रिंग कांस्टेंट के2 के2 तो ये दीटा स्प्रिंग ऊपर मु गोटे फोर्स अप्लाई करी दी एफ फोर्स दीटा जो स्प्रिंग कनेक्शन है छी सीरीज वाइज है छी तो ये मु कौन कली एफ फोर्स अप्लाई कली एठी मु एफ फोर्स अप्लाई करबी ताले कोन हेबो जदी मु स्प्रिंग को एबणा कनेक्शन कर तो एई केस रे हमें माननी नबा जे ये गोटिए स्प्रिंग बोली ये गोटिए स्प्रिंग बोली एंड ए जो स्प्रिंग टा छि यार लेंथ केते हो फर्स्ट स्प्रिंग रो लेंथ छि x1 सेकंड स्प्रिंग रो लेंथ छि x2 तो हमें माननी नबा ए जो दीटा स्प्रिंग हमें कनेक्शन करि छे ये गोटिए स्प्रिंग बोली मानि नवा ते जतेबेला हमें मानि नले ये गोटी स्प्रिंग बोली तो फर्स्ट याको हमें ड्रॉ कर दवा गोटी स्प्रिंग बोली सेम लेंथ रो ये गोटी स्प्रिंग एंड एठी एफ फोर्स अप्लाई हेच जति की फोर्स हमें एई दीटा स्प्रिंग कनेक्शन करके अप्लाई करतले सेति की फोर्स हमें गोटी स्प्रिंग रे अप्लाई करले तो यार स्टिफनेस किंबा स्प्रिंग कांस्टेंट के लेंथ एक्स तो जदि हमें देखिबा एई स्प्रिंग रे एठी हमें फोर्स जो हमें गोटे स्प्रिंग मानि नै छै दीटा स्प्रिंग को गोटे स्प्रिंग मानि नै छै एई केस रे फोर्स कोन अछि पुलिंग नेचर अछि तो तार ओपोजिट डायरेक्शन रे हमर कोन हबो तार ओपोजिट डायरेक्शन रे कोन हबो फोर्स जो स्प्रिंग गोटे फोर्स जनरेट करिवो त तार शेप को कोन करबे पई रिगेन करबा पई तो एठी अप्लाई हला स्प्रिंग फोर्स स्मॉल एफ रो गोटे स्प्रिंग फोर्स अप्लाई हला तो सेम जदि मु देखिबा हमें एई केस रे ऊपर जो दीटा स्प्रिंग अछि तो एई केस रे जदि हमें देखिबा फर्स्ट सेकंड स्प्रिंग बी कोन हो तार लेंथ इंक्रीज हो तार ओपोजिट डायरेक्शन रे लागिला स्प्रिंग फोर्स कोन स्मॉल एफ इक्वल टू कोन हिजो के2 इनटू x2 ही गला के2 इनटू x2 एंड जो के2 x2 स्प्रिंग फोर्स टा छि से कोन करू छि स्प्रिंग 1 से मध्य टाणी बारे कोन करू छि हेल्प करू छि तो k2 x2 जदि हमें स्प्रिंग 1 रे देखिबा तो एटा गला स्प्रिंग 2 रो फोर्स एटा को टाणी बारे स्प्रिंग 1 को हेल्प करू छि तो यार ओपोजिट डायरेक्शन को फोर्स अप्लाई हो स्प्रिंग फोर्स जोटा कि स्प्रिंग 1 रे जनरेट हो
से कौन है जो के वन एक्स वन के वन एक्स वन के वन एक्स वन हो तो जदि आम देखा आम मुखिपर एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू मु दीटा स्प्रिंग को गोटे स्प्रिंग बोली माने नेली तो फर्स्ट जदि मु एफ या को देखिबी एक्स को तो एई केस रे स्प्रिंग फोर्स कौन है के एक्स ताले हमर एक्स कौन है गला ये जो फर्स्ट केस को मु जदि देखिबी स्प्रिंग फोर्स कौन है जो एक्स इक्वल टू कौन है जो एक्स इक्वल टू इजो एफ वाई के एफ वाई के तो एई केस रे मध्य एक्स टू कौन है जो या को हमें x2 कौन है जो f2 डिवाइडेड बाय k2 f2 डिवाइडेड बाय k2 नले हमें एमटी मध्ये लिखि परिवा जो एठी देखि पड़तबे स्प्रिंग 1 को के टाणु छी स्प्रिंग 2 तो k1 x1 इक्वल टू हमें लिखि परिवा k2 x2 k1 x1 इक्वल टू हमें लिखि परिवा k2 x2 ए भले भाव रे हमें लिखि परिवा इक्वल टू हमें कोन लिखि परिवा f इक्वल टू हमें f बोली लिखि परिवा तो एठी मु लिखि परबी x इक्वल टू कोन f बाय k तो x1 कोन हिजबो सेम f बाय k1 हिजबो एंड x2 कोन हिजबो f बाय k2 तो जदि आम एफ को कमन नहीं जावा ताले ये कौन है जो वन बाय के एंड एटू कमन नहीं गले एफ को कौन है जो ये वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू तो एफ एफ आम कौन है गला कैंसिल है गला तो आम को कौन मिलला वन बाय के इक्वल टू वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू तो वन बाय जो के अच्छी के ये कौन इक्विवेलेंट दीटा स्प्रिंग रे इक्विवेलेंट स्टिफनेस नियाई तो आम जिते सीरीज कनेक्शन करवा फॉर्मूला टी पुट करवा जिते आम कौन करवा सीरीज कनेक्शन करवा एंड नेक्स्ट आम कौन देखा पैरेलल कनेक्शन स्प्रिंग को आम कम कनेक्शन करवा पैरेलल तो पैरेलल आम कम कनेक्शन करवा एटा गोटे स्प्रिंग एटा गोटे स्प्रिंग दीटा स्प्रिंग रे कौन अच्छी लेंथ सेम अच्छी एठी मु एफ फोर्स अप्लाई करी दीटा स्प्रिंग रो लेंथ कौन अच्छी सेम अच्छी एक्स एंड यार भी एक्स किंतु दीटा स्प्रिंग रो स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग अच्छी के वन के टू ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये मटेरियल ऊपर भी डिपेंड करे स्प्रिंग रो जो मटेरियल रे तैयार हिजी ता ऊपर मधे ये कौन करे डिपेंड करे सेति पई हमें जते बेले लेंथ वाइज स्प्रिंग नेले इक्वल तो यार स्प्रिंग कांस्टेंट कोन हिगला डिफरेंट हिगला कारण ये मटेरियल ऊपर मधे डिपेंड करे तो एटी मु एफ फोर्स जते बेले अप्लाई करबी यार कोन करबो लेंथ इंक्रीज हबो तो ए जो एफ फोर्स अप्लाई हिची दीटा स्प्रिंग रे कोन हिजो इक्वली डिवाइड हिजो सपोज एफ फोर्स मु लिखली एफ1 प्लस एफ2 माने स्प्रिंग 1 रे से केते अप्लाई कला एफ1 अप्लाई करबो एंड स्प्रिंग 2 रे केते अप्लाई करबो एफ2 अप्लाई करबो तो एतिके अप्लाई करबो तो मुठी लिखि पारि एफ इक्वल टू जदि आम देखा सी कौन हो के एक्स हो किंतु एफ वन जदि आम देखा सी कौन हो के वन एक्स प्लस एफ टू कौन हो के टू एक्स टू जोटा स्प्रिंग फोर्स ये कौन हो के टू एक्स कौन के वन एक्स आदि आम या के एक्स केमती देखा दीटा स्प्रिंग को मु गोटे स्प्रिंग इक्विवेलेंट मानि नेली दीटा स्प्रिंग को गोटे सेम लेंथ रो इक्विवेलेंट मान नेली तो ये एफ फोर्स अप्लाई है इटा के इक्विवेलेंट एक्स के इक्विवेलेंट तो ए केस रे मु एक्स को जदि कॉमन नै जीव एक्स कोन हिजो कैंसिल हिजो तो के इक्विवेलेंट इक्वल टू कोन हेगला के1 प्लस के2 ते इगला हमें जतले स्प्रिंग को पैरेलल कनेक्शन करिवा हमर स्प्रिंग कांस्टेंट कोन हिजो के1 प्लस के2 तो या ऊपर हमें डायरेक्ट गोटे क्वेश्चन करवा फॉर अंडरस्टैंडिंग तो मु क्वेश्चन टा कोन कहूँ लिखी दूची ये क्वेश्चन टा कला परे आपणंकर कांसेप्ट आउ भी कोन हिजो क्लियर हिजो
এটা গোটে স্প্রিং লাগিছে, দেন এটি আউ গোটে স্প্রিং লাগিছে, দেন আউ গোটে স্প্রিং লাগিছে, দেন আউ গোটে স্প্রিং লাগিছে, তারপরে তলে কোন লাগিছে, তলে লাগিছে মাস এম। এন্ড প্রত্যেক স্প্রিং র ইয়ার স্টিফনেস কনস্ট্যান্ট কেতে আছে, ফার্স্ট স্প্রিং র 4K, ইয়ার কোন আছে কে, ইয়ার বি কে আছে, ইয়ার বি কে আছে। তো এটি কোশ্চেন সে পচাচ্ছি কোন কে ইকুইভ্যালেন্ট পচাচ্ছি, ফাইন কে ইকুইভ্যালেন্ট, দেন কোন পচাচ্ছি ডিফ্লেকশন অফ ব্লক এম, কে ইকুইভ্যালেন্ট পচাচ্ছি, দেন পচাচ্ছি ডিফ্লেকশন অফ ব্লক এম, মানে তার লেন্থ কেতে চেঞ্জ হয়েছে, যেতবে আমি এম মাস র গোটে ব্লক সেটি অ্যাটাচ করে দেলে তো সেইটি তার ডিফ্লেকশন কেতে হয়েছে বলে সে কোশ্চেন রে পচারছি। তো আমি যদি কোশ্চেন কু দেখিবা ভালো ভাবে তাহলে এটি দেখি পারতবে দুইটা যে স্প্রিং কে কে র স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কিংবা স্টিফনেস কনেকশন হয়েছে সে কোন হয়েছে, এটি প্যারালাল ওয়াইজ হয়েছে। দেন এই স্প্রিংটা 4K তলে কোন অছি কে, দেন মঝিরে যে প্যারালাল হয়েছে এই তিনটা কোন হয়েযিব, যেতবে আমি প্যারালাল কু গোটে কে ইকুইভ্যালেন্ট মানি নেবা তিনটা কো কনেকশন হয়েছে, সিরিজ রে কনেকশন হয়েছে। তো ফার্স্ট আমি কোন করিবা প্যারালাল কু গোটে স্প্রিং বলে মানিবা, তো যদি ফার্স্ট সলুশন ইয়ার দেখিবা সলুশন, তো যে প্যারালাল কনেকশন হয়েছে প্যারালাল কনেকশন রে কে ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু কোন হুয়ে কে ওয়ান প্লাস কে টু, তাহলে ইয়ার কে ইকুইভ্যালেন্ট কোন হয়েছে, কে ওয়ান কেতে আছে কে প্লাস কে কোন হয়েগলা, ইয়ার কে ইকুইভ্যালেন্ট 2K হয়েগলা, কে ইকুইভ্যালেন্ট ইয়ার কোন হয়েগলা 2K হয়েগলা, যে দুইটা স্প্রিং এইভাবে কনেকশন আছে কে কে র ইয়াকু আমি গোটে স্প্রিং বলে মানি নেলে তো ইয়ার কে ইকুইভ্যালেন্ট কেতে হয়েগলা 2K হয়েগলা, 2K হয়েগলা। দেন তারপরে আমি যদি স্প্রিং কু দেখিবা ইয়ে কোন হয়েযিব পুরা সিরিজ কনেকশন হয়েযিব, তলে এম লাগিছে সিরিজ কনেকশন হয়েগলা না, কে 2K 4K। দেন আমি এঠু কে ইকুইভ্যালেন্ট ফাইন্ড করিপারিবা, এই যে সিরিজ কনেকশন হয়েছি কে ইকুইভ্যালেন্ট মু এবে লিখি পারিবি, কে ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু 1/K1 +1/K2 +1/K3, তো কোন হয়েযিব 1/K ইকুইভ্যালেন্ট, তো 1/K ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু নেক্সট স্লাইড রে লিখুছি আকু, ওয়ান বাই কে ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু 1/4K +1/2K +1/K। তো ইয়ার যদি এলসিএম আমি নেওয়া গোটে সেকেন্ড, আমি যে এটি কে নিয়ে আইতলা এটা কোন আছে 4K দিয়া আছে, কোশ্চেন রে গিভেন আছে 4K, বাই মিস্টেক কে লিখি, তো এটা আছে 4K। এইটি হয়েগলা 4K। তো ইয়ার যদি আমি এলসিএম নেবা কেতে হয়েযিব 1/K ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু, ইয়ার আমি এলসিএম নেলে 4K 2K 4K এলসিএম যদি নেবা ইয়ার কে 4 2 4 2 দেন 2 তের এলসিএম হয়েগলা 4K, ইয়ার এলসিএম কেতে গেলা আমার 4K 4K 1 প্লাস 2K গোটে সেকেন্ড, এইটি প্লাস 1, তো এবে হয়েগলা আমার কে ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু 1/K ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু 1/K, দেন আমি লিখি পারিবা কে ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু কে, এতিক আসিলা আমার আনসার ফার্স্ট আনসার। সেকেন্ড সে কোন পচারতলা আমার ডিফ্লেকশন কেতে হইছি, ত
तो हमें जो ब्लॉक को देखिबा ब्लॉक रे वेट केते लागुची एम जी एंड ता जो गु स्प्रिंग फोर्स कोन लागुची ऑपोजिट डायरेक्शन रे लागुची तो केते लागुची के इक्विवेलेंट के एक्स ताले एक्स इक्वल टू हमर कोन हिजबो यदि हमें याकु देखिबा के एक्स इक्वल टू कोन एम जी ताले एक्स इक्वल टू हमर कोन हेगला एम जी डिवाइडेड बाय के ए जो केट अछि हमर इक्विवेलेंट के जोड़ा हमें फर्स्ट बीट आंसर रे पाइले बीट वन रे ये गला हमर बीट टू रो आंसर जेते बेले भी स्प्रिंग फोर्स रो प्रॉब्लम आसीबो ए बेला सॉल्व करी तो हमें नेक्स्ट देखिवा नेक्स्ट हमें देखिवा कौन फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स तो ये देखी पार्थिव फिगर रे ये बॉडी को बॉडी ऊपर कौन कर फोर्स अप्लाई कर बॉडी को सी एफ फोर्स से कौन कर टाणुची तो फ्रिक्शन फोर्स तार ओपोजिट डायरेक्शन रे जनरेट होती ये जो रनिंग कर फ्रिक्शन फोर्स लगुच जो ये स्लीप करस भी कौन लगुच फ्रिक्शन लगुच तो सबुठ भी देखी पार्थिव इन प्राक्टिकल एव्रीवेयर फ्रिक्शन एक्ट तो सब जगह कौन करे फ्रिक्शन एक्ट करूर तो आम जो फ्रिक्शन को टाइप रे देखिवा स्टैटिक फ्रिक्शन गोटे आसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन किंबा रोलिंग एंड आम या काइनेटिक फ्रिक्शन भी कही पार ये ना दिखाई फ्रिक्शन रो तो फर्स्ट आम देखा फ्रिक्शन एबे मु कोई भी इटा गोटे कौन अच्छी बॉडी ए बॉडी ऊपर कौन करिवा हमें ए सरफेस टा कौन अच्छी स्मूथ अच्छी नॉट रफ स्मूथ सरफेस कौन अच्छी सरफेस स्मूथ अच्छी स्मूथ कंडीशन रे तो ये बॉडी रो किछ मास अच्छी एम एंड ए बॉडी रो जते बड़े मास अच्छी तो यार वेट किछ रहइबो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे एम जी एंड ए सरफेस ऊपर बॉडी कोन अच्छी कांटेक्ट कर छी तो एठी गोटे नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो एन तो ये सब हमें परे देखिवा फर्स्ट हमें जानिबा ये बॉडी ऊपर जते बड़े हमें फोर्स अप्लाई करले एफ फोर्स तो सरफेस तो स्मूथ अच्छी ताले बॉडी कौन करिवो इजीली मोशन करिवो ए डायरेक्शन रे इजीली से कौन करिवो मोशन करिवो फ्रिक्शन ही नहीं माने सरफेस कौन अच्छी स्मूथ अच्छी ताले बॉडी इजीली कौन कला मूव कला सपोज मु कहबी सरफेस कौन अच्छी स्मूथ नहीं सरफेस स्मूथ नहीं सरफेस कौन अच्छी रफ अच्छी सरफेस रफ कंडीशन रे तो जत्ते बड़े सरफेस रफ अच्छी आम बॉडी ऊपर जत्ते भी हमें फोर्स अप्लाई करवा ये बॉडी ऊपर हमें फोर्स अप्लाई जत्ते भी करवा तो बॉडी को जणे अपोज करने को सी कौन कर चेष्टा कर कारण आम जदि बॉडी वन या ना दे दिली वन या टू सरफेस को टू ए डेटा सरफेस को हमें देखिवा माइक्रो लेवल रे देखिवा याको हमें केमती देखिवा माइक्रो लेवल रे ए जो सरफेस टाको डेटा जो कांटेक्ट है छे हमें याको माइक्रो लेवल रे जूम करके देखिवा याको हमें जूम करिवा एंड देखिवा केमती कांटेक्ट है ते तो ये हमारा सरफेस बॉडी वन मास थिला कौन एम ये हमारा सरफेस किंबा एठी मु बॉडी टू कोई दूँ तो ये जो दीटा बॉडी सरफेस ये भुलिया था हम माइक्रो लेवल रे पूरा देखिवा या को तो ये भाया कांटेक्ट है कि थाए
तो आम जिते बड़े ये बॉडी वन रे फोर्स अप्लाई करिबा, सेकेंड बॉडी कौन कर सेकेंड बॉडी तार जो कांटेक्ट अच्छे ये देखी पार्थे ये गुट जो कांटेक्ट रे लगी गुड़ा जो पॉइंट गुड़ा एम कौन कर सरफेस टू सहित ये कांटेक्ट रे अच्छा तो ये कांटेक्ट से कौन से ब्रेक करने को देवे कौन कांटेक्ट से ब्रेक करने को देवे कौन ताने आमको फोर्स एप्लाय कर एक्स्ट्रा एप्लाय कर आम फर्स्ट केस रे जदि सरफेस स्मूथ थी आम इजिली बॉडी कौन कर मोशन करूला कितु आम जदि या माइक्रो लेवल देखले एंड सरफेस रफ अच्छी प्राक्टिकाली सब सरफेस कौन था रफ था तो आम जब आपको जूम कर देखा तो ये बॉडी गुड़ा कौन अच्छी कनेक्शन यही अच्छी तो ये कनेक्शन से ब्रेक हाँ को देवे तो ये आम एक्सट्रा फोर्स आहरी एप्लाय कले तो जिते बड़े बहुत एक्सट्रा फोर्स एप्लाय करदे तो ये कंटाक्ट कौन हो कंटाक्ट गुड़ा जो अच्छी से कौन हो ब्रेक हो ब्रेक हो तो ब्रेक है फल बॉडीटा कौन कर मोशन कर बॉडीटा कौन कर मोशन कर तो जिते बड़े बॉडीटा कौन कला मोशन करगला गोटे सेकेंड बॉडीटा कौन कला मोशन कला तो ये बॉडीटा आम देखले मोशन करगला जिते बड़े कंटाक्ट ब्रेक ला एंड कंटाक्ट ब्रेक ला फल देखिपार तो कौन सी भी सरफेस रे जिते बड़े गोटे हेवी वेट रो बॉक्स थी आपण मैंने टाणी चेष्टा कर तो सही देखिए सरफेस तले कौन हो जाए गार गार भाया हो जाए तो सहीटा कौन पाई हुए जो सरफेस सरफेस भितर कंटाक्ट थाए से कंटाक्ट से ब्रेक हो जाए एंड कंटाक्ट ब्रेक है फल कौन हुए ये सरफेस गुड़ाक सांगे सांग मान जो समय ब्रेक है बॉडी मोशन कला आम जदि तुरंत से सरफेस को देखा ताले सेटा सरफेस कौन थी टिके गरम थी ताने से कौन है हीट जेनरेट है कौन है हीट जेनरेट तो एबे आम देखा आमर एटा थिला ब्लॉक मास एम मास एम रो ब्लॉक थिला एटा आमर थिला कौन सरफेस एटा आमर थिला सरफेस तो यार किसी मास अच्छी सपोज एम जहाँ भी हो तो ये आम फोर्स एप्लाय कले फोर्स एप्लाय कले एफ एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल किंबा एफ ई एप्लाय कले तो बॉडी कौन कर बॉडी रो इच्छा हूँ ए डायरेक्शन रे मोशन करने को इच्छा हूँ किंतु से जाई पारोनी कौन पाई तार ओपोजिट डायरेक्शन रे सरफेस तो कांटेक्ट अच्छी ताफल ओपोजिट डायरेक्शन रे कौन हो गए फोर्स जेनरेट होपोजिट डायरेक्शन रे गोटे फोर्स जेनरेट होट फोर्स कौन फ्रिक्शनल फोर्स डेट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स तो से फोर्सटा कौन कर रोकवा को चेष्टा करपोज यार मास अच्छी के 10 के जि मास अच्छी 10 के जि तो यार वेट के डब्ल्यू वेट हो 10 आम जी को मानि नवा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर कैलकुलेशन पर्पज इजी हे तो हो गला वेट आम 100 न्यूटन एंड ये गोटे कांटेक्ट फोर्स जेनरेट हम ये कांटेक्ट फोर्स गोटे जेनरेट हम एन तो आम फ्रिक्शन फोर्स को आम ये जेनरेट है फ्रिक्शन फोर्स के म्यू इंटु एन म्यू एन बोले आम लिखा म्यू एन तो आम को म्यू जना ना आम म्यू रैल्यू पर देखा तो एन रैल्यू ये केन रैल्यू एन रैल्यू आम एन इक्वल टू वेट तो 100 न्यूटन हो गला सपोज म्यू रैल्यू दिखाई के म्यू आमको दिखाई 0.3 दिखाई 0.3 एंड आम एक्सटर्नाल फोर्स के लगे आम एक्सटर्नाल फोर्स लगे
जदि मु कोई भी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगे छे केते फर्स्ट 10 न्यूटन अप्लाई करी छे एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई कर छे तो बॉडी रो म्यू केते दिया छे 0.3 ताले फ्रिक्शन फोर्स केते हि जबो म्यू 0.3 एंड एन अछि हमर 100 न्यूटन तो 30 न्यूटन हे गेला फ्रिक्शन फोर्स केते हि 30 न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स थारु कोन अछि अधिका अछि तो एई केस रे देखियो फ्रिक्शन फोर्स कोन अछि फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर अछि हमर एक्सटर्नल फोर्स थारु तो बॉडी कोन करिवो मोशन हो ही नै मोशन हबाकु दबोनि बॉडी को से मोशन हबाकु दो नै कारण फ्रिक्शन फोर्स ता थारु अधिका सेठी लागि छि तो एई केस रे बॉडी कोन हला स्टैटिक रहला स्टैटिक रहला बॉडी मूव ही हला नै स्टैटिक रहला तो एई केस रे आकु हमें कहबा स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन तो बॉडी लगेला 10 न्यूटन किंतु आम पाखरे अछि केते न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स केते अछि सरफेस पाखरे 30 न्यूटन तो सी 10 न्यूटन अप्लाई कर देला फ्रिक्शन फोर्स कोन कला 10 न्यूटन से अप्लाई कर देला बॉडी को स्टॉप करबा पई बाकी ता पाखरे एक्स्ट्रा अछि केते 20 न्यूटन एक्स्ट्रा अछि तो बॉडी कोन हला स्टैटिक रह गेला तो एई केस रे जते बेले बॉडी कोन कहू छी मोशन ही हेउ नै बॉडी मोशन ही हेउ नै याकू हमें कोन कहिबा स्टैटिक फ्रिक्शन याकू हमें कहिबा स्टैटिक फ्रिक्शन याकू हमें कहिबा स्टैटिक फ्रिक्शन देन कोन हला गोटे सेकंड तो एही केस रे हमर थिला कोन फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर थिला एफ एक्सटर्नल थारो सेकंड केस रे हमें देखिबा हमें अप्लाई करिबा केते फोर्स एबे ता थारो टिके अधिक अप्लाई करिबा ता थारो टिके अप्लाई अधिक करिबा तो सेम हमर मास अछि 10 केजी मास केते अछि 100 केजी नाही 10 केजी तो हमर वेट केते हेगला वेट हे गला w इक्वल टू 100 न्यूटन एंड हमर गोटे नॉर्मल फोर्स जनरेट हो सरफेस कांटेक्ट जोगु n तो n इक्वल टू मते 100 इजबो फ्रिक्शन फोर्स केते इजबो सेम म्यू रो वैल्यू 0.3 दिया इजे ताले फ्रिक्शन फोर्स हे गला 30 न्यूटन किंतु हमें अप्लाई करिबा बे केते फोर्स अप्लाई करिबा f इक्वल टू f एक्सटर्नल इक्वल टू 20 न्यूटन हमें 20 न्यूटन अप्लाई करिबा तो एबे भी देखि परथु फ्रिक्शन फोर्स कोन अछि ग्रेटर अछि एफ एक्सटर्नल थारु फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर अछि तो से हमें जते एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करले केते करले एक्सटर्नल फोर्स हमें 20 न्यूटन अप्लाई करले तो फ्रिक्शन फोर्स से 20 न्यूटन बॉडी ऊपर रेजिस्ट कला तो सेति के फोर्स से लगेला तो बॉडी कोन हला मोशन हला नै किंतु फ्रिक्शन फोर्स पा करे आहुरी 1 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा अछि तो एई केस रे भी बॉडी कोन कला मोशन कला नै तो याकू मध्ये हमें कोन कहबा स्टैटिक बॉडी मोशन कला नै याकू हमें कहबा स्टैटिक कंडीशन याकू मध्ये हमें कोन कहबा स्टैटिक कंडीशन स्टैटिक कंडीशन रे छि तो याकू हमें कहबा स्टैटिक फ्रिक्शन तो ई जो स्टैटिक कंडीशन किंबा स्टैटिक फ्रिक्शन रे छि तो म्यू जो 0.3 दिया है जी याकु हमें म्यू एस बोली कंसीडर करिबा म्यू एस कौन म्यू हला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एई केस रे म्यू एस कौन इजबो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नेक्स्ट हमें कौन अप्लाई करिबा आउ टिके एक्स्ट्रा फोर्स हमें अप्लाई करिबा बॉडी ऊपर तो एठी हमें अप्लाई करिबा सेम मास रो बॉडी अछि केते अछि मास एबे भी मध्य मास अछि 10 केजी वेट लागु छि केते 100 न्यूटन एंड ओपो एठी कांटेक्ट लागु छि नॉर्मल एन लागु छि तो हमरो एफ इक्वल टू हमे जान छि केते 30 न्यूटन अछि फ्रिक्शनल फोर्स हमे एक्सटर्नल फोर्स एबे अप्लाई करबा केते 30 न्यूटन हमें एक्सटर्नल कर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करिवा एफ एक्सटर्नल 30 न्यूटन तो एई केस रे कोन हेगला एफ एक्सटर्नल
इक्वल टू हेगला आमर जो फ्रिक्शन फोर्स सहित इक्वल हेगला। तो ये केस रे बॉडी कौन करिवो जस्ट अबाउट टू मोशन, ये केस रे बॉडी कौन करिवो मोशन करिवो को चेष्टा करिवो बट मोशन हेबो ही नाही, तो याकू हमें कहबा लिमिटिंग फ्रिक्शन किंबा लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन किंबा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये केस रे भी मोशन हेबो नाही बट याकू हमें कहबा लिमिटिंग कंडीशन। तो देन कौन हैला तापरे तापरे हमें सेम बॉडी थिला, सेम बॉडी थिला एटा तार कौन थिला सरफेस थिला, एटा थिला तार सरफेस। मास आमर केते थिला 10 केजी, तो वेट लागिवो केते, मास थिला आमर 10 केजी, वेट हे गला आमर 100 न्यूटन। एंड नॉर्मल डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स गुटे एक थबो बॉडी रो कांटेक्ट जोगु n, तो आमर फ्रिक्शनल फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन रे जनरेट हेतला तारो वैल्यू थिला 30 न्यूटन। एबे आमर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करले 35 न्यूटन हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करले, तो एई केस रे बॉडी कौन करिवो मोशन करी जीवो, बॉडी कौन कला मोशन करी गला, मोशन करी गला। तो सी मोशन कला जो ता उपरे फोर्स केते अप्लाई हि छि केते एक्चुअल रे 35 न्यूटन अप्लाई हि छि किंतु बॉडी को फोर्स रे से मोशन करू छि f इक्वल टू एई केस रे जीवो 5 न्यूटन। इतकी फोर्स से बॉडी कौन करुची मोशन करुची, इतकी फोर्स से बॉडी कौन कला मोशन कला। तो एक केस रे जो बॉडी मोशन कला याकू हमें कौन कहिवा काइनेटिक फ्रिक्शन, बा याकू हमें कहि परबा मोशन कला याकू हमें कहिवा डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन बॉडी एवं डायनामिक कंडीशन को आसीगला। तो एक केस रे म्यू के ही जीवो एंड एफ के हमरो काइनेटिक फ्रिक्शन है जीवो, एंड एठी जो एफ लागुतला याको हमें स्टैटिक फ्रिक्शन बोली कहबा एफ एस एफ एस एफ एस। तो एक केस रे बॉडी कोन कला मोशन करिवला, तो याको हमें कहबा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बॉडी कितने फोर्स रे मोशन कला से मोशन कला 5 न्यूटन। तो ए केस रे म्यू के सपोज अछि 0.2, तो एफ के कितने हो 20 न्यूटन हे गला हमरा फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शन कितने गला हमरा 20 न्यूटन हे गला। तो याको हमें डायनामिक किंबा काइनेटिक रीजन बोली कहबा, आ जो हमें एठी देखिले तीनटा फिगर, ए तीनटा फिगर रे बॉडी कोन करछि मोशन करनी या को हमें स्टैटिक कंडीशन कहि परिवा। तो नेक्स्ट हमें देखिवा जदी फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फोर्स रो हमें ग्राफ देखिवा, एठी छि फ्रिक्शनल फोर्स y एक्सिस रे, x एक्सिस रे छि हमरा एक्सटर्नल फोर्स। तो जेमति हमें एक्सटर्नल फोर्स को धीरे धीरे बढ़ेवा, सपोज एटी 5 न्यूटन, तो हमर फ्रिक्शनल फोर्स केते जो 5 न्यूटन, 10 न्यूटन हमें एक्सटर्नल फोर्स करिवा 10 न्यूटन। एई केस रे देखि परतबे एठी हमरो एक्सटर्नल फोर्स केते छि 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स केते जो मैक्सिमम अछि 30 न्यूटन, बट हमें एठी हेइ जो केते से बॉडी को स्टॉप करिवा पई केते दबो 10 न्यूटन ही दबो, बाकी 20 न्यूटन ता पाखरे एक्स्ट्रा अछि माने मैक्सिमम अछि। एठी मध्ये केते हिजबो एफ केते हिजबो, जदी हमें फिक्स स्टैटिक फ्रिक्शन देखिवा ताले 29 न्यूटन हिजबो, एक्सटर्नल केते जे 29, तो 29 हे गला। सेम केस हमें जते जते एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेवा सेते सेते कोन हबो
सी फ्रिक्शनल फोर्स से भाया इनक्रीज कर धीरे धीरे सीए ये भाया कौन कला इनक्रीज कला एट सर्टेन पॉइंट गोटे पॉइंट एमती आसो जो मैक्सिमम पड़े तापर सी कौन कर धीरे धीरे सी डाउन आसो धीरे धीरे कौन कला सीए टे डाउन आसला देन कौन कर कॉन्स्टेंट एटा गला कॉन्स्टेंट तो एई केस रे एठी जो ओरिजिन रु एतिकी पर्यंत सीरे बॉडी बॉडी चलला एई कोन याकु आमे कोन कहिबा स्टैटिक रीजन किंबा स्टैटिक जोन बोली आमे कहिबा स्टैटिक जोन बोली आमे कहिबा एठी जदी मु ना दे दिली यारो ए पॉइंट एटा बी पॉइंट एटा सी पॉइंट तो ए बी सी याकु जदी आमे देखिबा एटा कौन गला एठू एतिक पर्सन टाइम स्टैटिक जोन बॉडी एतिक जाए कौन कर मूव करी नहीं तो ये जो हिप बढ़िया यही पॉइंट आमको बहुत एक्सटर्नल फोर्स लगला जेहेतु बॉडी रो कांटेक्ट कौन गला ये ब्रेक हो गला ये फिगर रे देखी पार्थे बॉडी रो कांटेक्ट कौन है ब्रेक हो जाए तो से एक्स्ट्रा देन आमर ये कौन गला तो यही जो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ कौन होगा आमर एफ एस म्यू एस इंटु एन एंड यहाँ कौन होगा आमर एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन एक केस रे बॉडी मोशन कला तो सेम काइनेटिक फ्रिक्शन कौन हो कांस्टेंट हो काइनेटिक फ्रिक्शन कौन होगा कांस्टेंट होगा एंड ए जोन टा को आम कौन कही पार पर्सन रु जो जोन टा जाइए या कह काइनेटिक किंबा डायनेमिक जोन बोली आमे कही पारिबा तो मुझे जी कहली फर्स्ट तार स्टेटमेंट लिखी दूची फ्रिक्शन रो स्टेटमेंट कौन हो व्हेन टू बॉडीज व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट दीटा बड़ी कांटेक्ट थे एंड देयर इज आइदर टेंडेंसी ऑफ मोशन और द टू बॉडीज आर इन मोशन ओवर ईच अदर देन देयर इज ए रेजिस्टेंस between these two surface resistance between these two surface which oppose the relative motion and it is directly proportional to the normal reaction. F directly proportional to normal reaction. जितेबले आम कांस्टेंट उठेबा म्यू आसीबो तो म्यू इक्वल टू आम कौन कही पारिबा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
एंड म्यू एस को हमें कौन कोई परिवार नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए म्यू एस ये वाला हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड म्यू के हमारा कौन है जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक आई गॉट अ पॉइंट इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन द फ्रिक्शन वैल्यूज वेरीज From 0 to F maximum. यको हमें कोई परिवार mu s into n. Second रे, in case of kinetic friction, When two bodies are in relative motion, relative motion जब तो बड़ा करेगा, then the friction value remains remains constant. Friction value कौन है तो constant है तो. तो F K equal to हमें लिखी परिवार इतने mu K n लिखी परिवार. And एक ऐसे किसी energy मध्य हमारे को कौन है तो waste है तो. कारण heat generate है ला. Next हमें देखिए कौन? Angle of friction. Angle of friction. तो ये हमारा बॉडी थिला ये हमारा सरफेस थिला तो हाँ बॉडी रो मास थिला सेम 10 केजी नहीं जवा में तो ये बॉडी रो कौन वेट बॉडी रो वेट एटा इगला हमरो नॉर्मल एटा इगला हमरो वेट इक्वल टू कौन एम जी बॉडी रो मास एम एटा हमरो लागो छि एक्सटर्नल फोर्स एफ एंड फ्रिक्शनल फोर्स तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे लागिवो এটাই হলো আমার ফ্রিকশনাল ফোর্স এফ ফ্রিকশনাল ফোর্স তো এই কেসরে আমি এবে দেখিবা কাক কাক এবে আমি দেখিবা ন এগুড়া সবুড়া কোন কোন ওয়েট নরমাল রিঅ্যাকশন এক্সটারনাল ফোর্স ফ্রিকশনাল ফোর্স সবুড়া কোন কোন গটি গটি ভেক্টর কোয়ান্টিটি তো ভেক্টর কোয়ান্টিটি কো আমি কো বি জায়গা রে সেম ডাইরেকশন রে আমি রাখি পারিবা তো মু ফ্রিকশনাল ফোর্স কো রাখি দেলে এই বড়িয়া গটে সেকেন্ড नल फोर्स को मुई वळे रखि देली नॉर्मल रिएक्शन को मु एई वळे रखि देली ते गला हमरो कोन एटे गला फ्रिक्शनल फोर्स रो डायरेक्शन एई वळे आछि एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन रो डायरेक्शन एई वळे आछि तेटे गला हमरो नॉर्मल रिएक्शन तो एटे देखि परतो दीटा वेक्टर कोन आछि हेड टू टेल जॉइन हिछि तो जत्ते बड़े हुए मु एठु आ गोटे वेक्टर जोड़ी भी
तो एटा कौन है हमारा रेजल्टेंट है गला। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन रो हमारा कौन है रेजल्टेंट है गला, इटा हमारा रेजल्टेंट आर। ए एंगल टा थीटा, तो ए एंगल टा को हमें कौन कोई परिवा एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोली कोई परिवा। यार हम स्टेटमेंट लिखी दोची द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिजल्टेंट रिएक्शन एंड द नॉर्मल पर्टिकुलर रिजल्ट एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, टू द सरफेस इज कॉल्ड এটাই গেল আমরা অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন। তাকে মু এইভাবে লিখি পারিবি টেন থিটা ইকুয়াল টু আমরা কোন হইব ফিগার কো দেখুন তো টেন থিটা ইকুয়াল টু কোন হইব টেন থিটা ইকুয়াল টু পি বাই বি, পি হইল এফ বাই এন, তো এফ বাই এন হইল। तो आम जाने एफ इक्वल टू कौन स्टैटिक जोन रे जदि आम देखा एफ इक्वल टू म्यू एस एन एंड जदि आम काइनेटिक जोन रे देखा एटा स्टैटिक एंड म्यू के इनटू एन एटा जो काइनेटिक। तो ये आम वैल्यू पुट करवा टेन थीटा इक्वल टू कौन पुट करी एफ रो वैल्यू आम जाने कौन म्यू एस एन बाय एन 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 तो कौन होगा कैनसल होगा तो थीटा इक्वल टू कौन हो टेन इनवर्स म्यू एस एटाला स्टैटिक एंड काइनेटिक रे कौन हो काइनेटिक रे कौन हो थीटा इक्वल टू हो टेन इनवर्स म्यू के। तो ये आम एंगल ऑफ फ्रिक्शन रो वैल्यू काढ़ी पारिबा। नेक्स्ट आम देखा कौन एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज तो हमें एंगल ऑफ रिपोज का को कहिबा। तो एंगल ऑफ रिपोज पाई बॉडी टा जो थाए ए एंगल टा ला अल्फा, इटे गोटे बॉडी रखाई एम मास रखाई तो ये बॉडी कौन कर स्लाइड कर तो तार एम जी वेट ए डायरेक्शन ताकु लगे फोर्स कौन हो एम जी ए डायरेक्शन रे फोर्स लगे यहाँ जी अल्फा एटा 90 माइनस अल्फा अल्फा तो यहाँ कौन होगा एम जी कोस अल्फा यहाँ होगा एम जी साइन अल्फा। तो बॉडी को डायरेक्शन रे स्लिप कर डायरेक्शन रे तो फ्रिक्शन फोर्स को डायरेक्शन रे लगे ए डायरेक्शन रे लगे फ्रिक्शन फोर्स एफ। तो एफ इक्वल टू आम लिखिपर एम जी साइन अल्फा एंड ये जो एम जी कोस अल्फा लगी यहाँ कौन हो नॉर्मल कारण दीटा बॉडी कांटेक्ट अच्छी तो एन इक्वल टू कौन हो एम जी कोस अल्फा हो। तो आम जो देखा डिवाइड करवा दीटा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन एंड टू इक्वेशन तो इक्वेशन वन डिवाइड करवा इक्वेशन टू को ताले कौन हो एफ बाय एन होगा आमर एफ बाय एन होगा एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड एम जी कोस अल्फा तो एम जी कौन होगा कैनसल होगा साइन अल्फा डिवाइडेड कोस अल्फा कौन होगा टेन अल्फा एंड एफ बाय एन इक्वल टू कौन म्यू तो टेन अल्फा होगा म्यू एंड अल्फा इक्वल टू कौन हो टेन इनवर्स म्यू एंड म्यू जगह आम म्यू इक्वल टू आम स्टैटिक कंडीशन रे म्यू एस काइनेटिक कंडीशन रे म्यू के पुट करी परिवा।
तो ये जो अल्फा टा थिला हमरो एटा एंगल ऑफ रिपोज, तो यार स्टेटमेंट दे दोचे एंगल ऑफ रिपोज कौन द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, एटी देखि परतो प्लेन केते इंक्लिनेशन हिच केते एंगल इंक्लिनेशन हिच अल्फा एट व्हिच ए बॉडी कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ओवर द प्लेन। Entirely by the assistance of friction is called angle of तो आज हमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन देखिले एंड स्प्रिंग फोर्स देखिले, तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा हो। आज ये थैंक यू।